ई ट्रिम के अंदर दोस्तों अगर आप चेंजेस देख के हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो जो मैं ऑटोमोबाइल की अपडेट आप लोगों के लिए देता हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि हुंडई की क्रेटा का अपडेशंस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जैसे अभी आपको कि किया ने अपनी सोनेट एंड सेल्टोस में कुछ अपडेट्स किए हैं, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना ही चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में, दोनों में मिल जाएगा, आप वहाँ जरूर देखिएगा। तो सो हुंडई एंड किया सभी जानते हैं कि सिस्टर कंसर्न कंपनी है, पेरेंट कंपनी एक ही है दोनों की, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक शेयरिंग है, तो मार्केट कॉम्पिटिशन भी दोनों का बहुत टफ है। हुंडई क्रेटा दोस्तों इस सेगमेंट की मार्केट लीडर रही सालों, एंड उसको धीरे से रिप्लेस किया उसकी सिस्टर कंसर्न किया सेल्टोस ने। किया सेल्टोस ने इस सेगमेंट पे राज करने के बाद दोबारा से उसको रिप्लेस कर दिया हुंडई क्रेटा ने, 2020 अपडेटेड क्रेटा ने। जी हाँ दोस्तों, अब कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो गया, तो उस कंपटीशन को देखते हुए किया ने अपनी सेल्टोस एंड सोनेट में कुछ फीचर्स अपडेट किए। अब दोस्तों कहीं कॉम्पिटिशन टफ है तो दोबारा से अपग्रेडेशन हुंडई ने भी किए हैं अपनी ऑल न्यू 2021 क्रेटा में। दोस्तों क्रेटा किसी पहचान की मोहताज नहीं, अपने आप में मार्केट लीडर है, टॉप मोस्ट सेलिंग कार है इस सेगमेंट की, बहुत सारे टॉप नॉच फीचर्स के साथ आती है, 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, जो कि शेयर है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है सेम किया सेल्टोस के साथ। जी हाँ, 1400 सीसी का टर्बो इंजन आता है, 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है और 1500 सीसी का ये डीजल इंजन आता है, जो कि 115 पीएस की पावर और पेट्रोल और डीजल में अलग अलग टॉर्क देता है। वहीं आपका अगर मैं टर्बो इंजन की बात करूं तो 140 पीएस की पावर आपको देता है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। दोस्तों अब छोटे छोटे अपग्रेड हुंडई की क्रेटा में भी कर दिए गए हैं। मैं बात करना चाहूँगा आपसे सारे वेरिएंट की वन बाय वन, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेने के लिए। स्टार्ट करता हूँ दोस्तों बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट आता है इसका ई ट्रिम के अंदर। दोस्तों अगर आप चेंजेस देख के हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, हुंडई की बेस मॉडल ई में कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं तो कुछ फीचर्स रिमूव किए गए हैं। ई वेरिएंट के अंदर पहले जो ORVMs आते थे वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल थे, अब कंपनी ने उनको मैनुअली एडजस्टेबल कर दिया है, जो कि अपने आप में इसका एक सेलिंग पॉइंट था, USP था, जो कि इसको अपर हैंड देता था इसकी सिस्टर से सेल्टोस से, क्योंकि सेल्टोस में वो मैनुअली एडजस्टेबल आते हैं दोस्तों बेस वेरिएंट के अंदर। अब हुंडई की क्रेटा के बेस मॉडल ई के अंदर भी वो मैनुअली एडजस्टेबल आएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं आएंगे। प्राइजेस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा क्या चेंज किया है दोस्तों, बेस मॉडल के अंदर हुंडई की क्रेटा में जो ORVMs हैं उन पर टर्निंग इंडिकेटर्स आते थे, अब उनको भी वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, वो आगे शिफ्ट कर दिए गए हैं फेंडर्स पे, सेम एज ए सिस्टर सेल्टोस, उसी की तरह से वो फेंडर पे आएंगे। मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है, पर फीचर्स चेंजेस हैं दोस्तों। दो फीचर्स ऐड भी किए हैं दोस्तों, एक फीचर ऐड किया है लगेज लैम्प, अब बेस मॉडल से ही इसमें लगेज लैम्प का फीचर ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ को ड्राइवर सीट जो है, पैसेंजर सीट जो है, उसके पीछे भी पॉकेट्स ऐड कर दी गई हैं, तो ये दो फीचर्स ऐड भी हुए हैं। अब की जो भी राय है कि ये फीचर्स अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। वहीं इससे नेक्स्ट वेरिएंट की मैं बात करूं EX और S मॉडल की, उसमें
बहुत ही शानदार अपडेट आया है दोस्तों। उसमें अपडेट इन्होंने किया जो उसका 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, उसमें इन्होंने किया की कार की तरह ही, सेल्टोस और सोनेट की तरह ही वायरलेस फोन प्रोजेक्शन कनेक्टिविटी दे दी है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों जब मार्केट कंपटीशन होता है तो ये छोटे छोटे फीचर्स एडिड वैल्यू करते हैं कि ये फीचर्स इस कार में है और इस कार में नहीं है। फीचर्स हैं दोस्तों, ये फीचर रिच फीचर्स हैं, तो इनको अपग्रेडेशन करना तो बनता है। तो अब EX और S मॉडल के अंदर 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस फोन प्रोजेक्शन कनेक्टिविटी आएगी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। वहीं अगर मैं टॉप ट्रिम SX और XS ऑप्शनल की बात करूं तो उसके अंदर छोटे छोटे से चेंजेस हैं दोस्तों। सबसे पहला चेंज तो उसके अंदर उनकी AI वॉइस कमांड और वॉइस असिस्टेंस का है। अब उनमें वेलकमिंग फंक्शन, वेलकम फीचर ऐड हो गया है, यानी कि जब आप कार में आएंगे तो कार वुड ग्रीट यू लाइक बहुत सारी कारों में आपने देखा होगा, जैसे कि स्कॉर्पियो में भी ये होता है और बहुत सारी कारों में होता है, व्हेन यू कम इनसाइड द कार वेलकम्स यू। तो ये AI कुछ फीचर्स ऐड हैं वॉइस असिस्टेंस के अंदर। वहीं दूसरा बहुत अच्छा फीचर जो ऐड हुआ है, जो कि सबसे पहले लॉन्च हुआ इनकी सोनेट में एंड साथ ही साथ फिर सेल्टोस में भी अपग्रेड किया, रिमोट की स्टार्ट फंक्शन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रिमोट की स्टार्ट की फंक्शन अब आपको हुंडई क्रेटा के मैनुअल एंड ऑटोमेटिक SX एंड SX ऑप्शनल दोनों में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स उधर से इधर धीरे से शिफ्ट कर दिए गए हैं। वहीं एक और शानदार फीचर ऐड किया है दोस्तों। फीचर क्या मैं तो बोलना चाहूँगा उसको, प्रीमियमनेस ऐड करी है दोस्तों। टॉप ट्रिम यानी कि SX एंड SX ऑप्शनल के अंदर डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच पॉइंट ऐड किए गए हैं, यानी कि अब आपका डैशबोर्ड और भी ज़्यादा प्रीमियम फील देगा, टच फील देगा, प्लास्टिक फील नहीं आएगी, उस पर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो ये छोटे छोटे से फीचर्स अपग्रेड हैं। अब दोस्तों हर एक फीचर कुछ कॉस्ट ऐड करके आता है दोस्तों। कॉस्ट में बहुत नॉमिनल सा चेंज किया गया है, कॉस्ट में सिर्फ 3500 रुपीज़ का चेंज किया गया है, यानी कि सिर्फ 3500 रुपये एडिशनल पे करने के बाद ये अपडेटेड फीचर्स की गाड़ी आपको मिल जाएगी एंड ये ऑलरेडी डीलरशिप पे पहुंचने स्टार्ट हो गई है। कंपनी ने इसकी कोई ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं की है, ये ग्रेजुअली स्मूथली साइलेंटली फीचर्स अपग्रेड करके थोड़े से प्राइस चेंज के साथ पहुँच गई है दोस्तों। तो आप भी अपने नियर बाय डीलर पर एक बार रीचेक करें कि आप जो वेरिएंट बाय करने जा रहे हैं वो वेरिएंट लेटेस्ट अपडेटेड फीचर वाला है या पुराने अपडेशंस के साथ है। एंड दोस्तों मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बेस वेरिएंट बाय कर रहे हैं तो पुराना ही वेरिएंट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs एंड टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ मिल जाएंगे। बट हाँ, अगर आप S-Trim या EX-Trim बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर द लेटेस्ट वन, आपको वायरलेस फोन प्रोजेक्शन मिल जाता है। एंड टॉप ट्रिम अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के अंदर रिमोट की स्टार्ट फंक्शन एंड वो सारे जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं बाय एडिंग 3500 रुपीज़ ओनली। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसी ढेरों अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए। एंड जैसे ही ये कार शोरूम्स पे पहुंचेगी, जैसे ही लॉकडाउन दोस्तों थोड़ा सा हटेगा, मैं इस कार का डिटेल वॉक अराउंड एंड रिव्यू, फिजिकल रिव्यू आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। Stay home, stay safe. All new Creta, the ultimate SUV.